हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जहां पर भी होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, जे एसएससी ने विजयदशमी के दिन भी एक नोटिस जारी किया है। चलिए देखते हैं नोटिस में क्या है, किन के लिए और किन के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जे एसएससी और जेपीएससी में कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आप लोग को यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाते हैं। और यदि आप जे एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट होंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और इसमें आज भी एक सुबह वीडियो डाले थे कि कैसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं जैसे सीजीएल का, जरूर देखिए, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको फायदा ही काम करेगा, उससे क्या होगा, आपका रैंक इंप्रूवमेंट हो सकता है। और उस हिसाब से पढ़िएगा तो शायद आपका सिलेक्शन होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा एक बार दबा के। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। जैसे ने विजयदशमी होता है आज, झारखंड तरह हम लोग तरफ खास करके मेला बहुत हर जगह लगाया जाता है रामनवमी के दिन में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं आज का अपडेट क्या है। 31 तारीख देख सकते हैं आप लोग, और संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2016 का है। पारित न्यायाधीश के अनुपालन के क्रम में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परिषद 2016 मुख्य अंतर्गत राज्य स्तर मेगा सूची के आधार पर नागपुरी एवं गृह विज्ञान, होम साइंस और नागपुरी विषय के रिक्त पदों के विरुद्ध जिलावार विकल्प प्राप्त करने, मतलब जिला सेलेक्ट कर सकते हैं नागपुरी वाले और विज्ञान होम साइंस वाले विद्यार्थी के लिए दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं 3 विद्यार्थी नागपुरी में है, रोल नंबर अपना मिला लीजिए और गृह साइंस में देख लीजिए 48 स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों से जिलों का विकल्प प्राप्त करने हेतु आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर अथवा शीघ्र लिंक अलग से प्रकाशित की जाएगी। आपको लिंक प्रकाशित किया जाएगा, इतने सारे बच्चों को अलग से सिलेक्शन करने का लिंक दिया जाएगा। देख लीजिए 48 बच्चे इधर और 3 बच्चा नागपुरी का। संदर्भित विषय में जिन जिलों में रिक्तियाँ उपलब्ध है उन्हीं जिलों में से जिलों की प्राथमिकता का विकल्प स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, रिक्तियों से संबंधित किसी अभ्यर्थी द्वारा यदि जिले का प्राथमिकता का चयन विहित अवधि में नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि आयोग द्वारा उन्हें कोई भी जिला का आवंटन करने में आपत्ति नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब देख लीजिए दोस्तों, आपको जब लिंक को एक्टिवेट हो जाएगा तो आप लोग हम सूचित कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, ये सब रोल नंबर को लिंक एक्टिवेट किया जाएगा अपना जिला सेलेक्ट करने के लिए। उस जिस जिला में आप नौकरी लेना चाहते हैं उस जिला को सेलेक्ट कीजिएगा, वहाँ पर नौकरी मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करती है छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।